हेलो हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं भू संतुलन की संकल्पना। तो भू संतुलन की संकल्पना जो है, सबसे पहले तो ये जानिए कि भू संतुलन किसे कहते हैं। तो भू संतुलन कहते हैं कि हमारी जो परिभ्रमण भ्रमणशील जो पृथ्वी, यानी कि जो घूम रही है, घूमती हुई पृथ्वी में जितनी भी उचावच है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान है या समुद्र तल है, इन सब का आपस में संतुलन बनाए रखना। किस पर संतुलन बनाए रखना? तो भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में संतुलन बनाए रखना, इसे ही क्या कहते हैं, भू संतुलन। ठीक है, तो भ्रमणशील पृथ्वी के ऊपर उभरे हुए उच्च भूभागों तथा सागर तली के गहरे क्षेत्रों के मध्य जो यांत्रिक स्थिरता पाई जाती है, उसे भू संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि भू संतुलन तो समझ आ गया कि भू संतुलन किसे कहते हैं। तो जितनी भी उचावच है, जैसे पर्वत है, पठार है, इन सब का एक साथ एक बैलेंस, इनका संतुलन बनाए रखना। ठीक है, भूगर्भ में संतुलन बनाए रखना। तो अब देखिए, ये जो भू संतुलन है, ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी जो है वो ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, आइसो प्लस स्टेसियो। इसका अर्थ क्या होता है? समस्थिति या समान खड़ा होना। आइसोस्टेसी का मतलब क्या होता है? समस्थिति या समान खड़ा होना। तो किस चीज़ का समान खड़ा होना? तो देखिए, ये तो सिर्फ भू संतुलन हो गया, यानी कि पृथ्वी पर जो भी उच्चावच हैं उनका समान खड़ा होना। अब उच्चावच क्या मतलब? पर्वत हो गया, पठार है, मैदान है, इनका समान खड़ा होना या इनकी सम स्थिति को क्या कहते हैं? भू संतुलन। अब जो भू संतुलन है, ये आइसोस्टेसी, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग डी ए डटन ने किया था 1889 में। ठीक है, ये अमेरिकी भूगर्भविद थे। डी ए डटन ने क्या कहा कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होता है। ऊंचे उठे भागों मतलब जैसे पर्वत का घनत्व जो है वो पठार से कम होगा, पर्वत का पठार से कम, पठार का मैदान से कम और मैदान का समुद्र तल से कम। समझ आ रहा है? ये किसका कहना था? डी ए डटन का कहना था। तो सभी ऊंचे व नीचे क्षेत्रों का भार भूगर्भ में एक रेखा के सहारे बराबर रहता है, जिसे सम दबाव तल कहते हैं। अब ये भी कहा गया है कि भूगर्भ में एक सम दबाव तल है। ठीक है, तो ये सम दबाव तल क्या करता है? तो इसी के सहारे जितने भी ऊंचे उठे भाग है या नीचे धंसे हुए भाग जितने भी क्षेत्र हैं, तो इसी के सहारे क्या होता है कि इस तल के सहारे वो सब एक बराबर में रहते हैं। भू संतुलन की परिभाषा देख लेते क्या होता है। तो भू आर्थर होम्स के अनुसार भू संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी वृहत पैमाने, मतलब कि बड़े पैमाने, बड़े क्षेत्र पर भूतल के ठीक नीचे, यानी कि जो हमारा भूतल है इसके ठीक नीचे प्रायः संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी का भाग हो गया। ठीक है, तब यहाँ पर्वत हो गया, ये मानते हैं पठार हो गया, इधर मैदान है और ये हो गया समुद्र। ठीक है, तो ये तो हमारा भूतल हो गया, ये हमारा भूतल है। ठीक है, भूतल है या भूपरपटी भी इसको बोल सकते हैं। अब इसके नीचे के भाग में, यानी कि मेंटल में, आप ऊपरी मेंटल भी बोल सकते हैं, यानी कि इसके नीचे जिस स्थिति में है, जो संतुलन बनाए हुए है, उसे ही क्या कहते हैं? भू संतुलन कहते हैं। जब वो संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? भू संतुलन कहते हैं। अब इस पर जे स्टीयर्स क्या कहते हैं? संतुलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी सम स्थिति की दशा पाई जाती है, वहाँ पर धरातल के नीचे विशेष गहराई तक पदार्थ की मात्रा समान पाई जाती है, समान पदार्थ मात्रा में पदार्थ पाई जाती है। अब देखिए,
सिद्धांत का प्रतिपादन और विकास। अब सिद्धांत का प्रतिपादन तक किसने किया वो तो हो गया कि अब सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, जो भू संतुलन का जो सिद्धांत दिया हुआ है इसका विकास कैसे हुआ। तो हुआ क्या था कि जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे वो भारत आए हुए थे, भारत में बहुत से स्थानों का, बहुत से जगहों का वो अक्षांशीय निर्धारण कर रहे थे। ये बात है 1859 की, ठीक है। तो वो जब अक्षांशीय निर्धारण कर रहे थे तो बहुत से जगहों को उन्होंने लिया था, तो उसी में उन्होंने कल्याण, एक जगह कल्याण और एक कल्याणपुर भी लिया था। तो जब कल्याण और कल्याणपुर का अक्षांशीय निर्धारण कर रहे थे तो दो विधियों से कर रहे थे, पहला त्रिभुजीकरण था, दूसरा खगोलीय विधि था, दो विधियों से कर रहे थे। अब जब पहले उन्होंने त्रिभुजीकरण से जब विधि कर जब अक्षांशीय निर्धारण कर लिया, उसके बाद जब उन्होंने खगोलीय विधि से अक्षांशीय निर्धारण किया इन्हीं दो स्थानों का, कल्याण और कल्याणपुर का, तो उसमें क्या आ गया कि 5.236 सेकंड का अंतर आ गया दोनों जगहों के बीच में। अब इस अंतर को समझा गया कि कल्याण की जो स्थिति है वो हिमालय से निकट, कल्याण की दूरी हिमालय से कितनी है 96 किलोमीटर्स है, ठीक है। कल्याण जो है वो हिमालय से 96 किलोमीटर दूर है, जबकि कल्याणपुर जो है वो पठारी भाग की सीमा पर है, ठीक है। लेकिन जो एरी महोदय थे और एरी और अन्य जो जितने भी विद्वान थे उन्होंने ये बताया कि हिमालय की विशालता और पेंडुलम पर प्रभाव का अध्ययन करते हुए बताया कि हिमालय अपनी शीर्ष शक्ति के कारण ही पेंडुलम की शीर्ष रेखा को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन फिर प्राट ने कहा, एरी और प्राट की, ठीक है, तो फिर वो प्राट ने कहा कि हिमालय जो है वो सियाल के बने हुए हैं, तो और सियाल का बना हुआ होने की वजह से उनका हिमालय का जो घनत्व है वो 2.75 है, यानी कि हिमालय का घनत्व तो क्या कम है, 2.75 है। लेकिन वास्तव में क्या है कि हिमालय के कारण तो वास्तव में जो भी आकर्षण कल्याण पर पड़ रहा है, ठीक है, पेंडुलम पर पड़ रहा है, ठीक है, तो उस लेकिन वास्तव में क्या है कि हिमालय की वजह से जो भी कल्याण पर जो आकर्षण पड़ रहा है, ठीक है, और आकर्षण का प्रभाव जो पेंडुलम पर पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से तो अंतर 5.23 सेकंड नहीं होकर के 15.885 सेकंड के बराबर आना चाहिए था, ठीक है। कितना आना चाहिए था, 5.23 सेकंड ना होकर के 15.885 सेकंड के बराबर आना चाहिए था। इसका मतलब तो ये होगा कि हिमालय को जो हिमालय जो है वो पेंडुलम को और ज़्यादा आकर्षित करता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हिमालय जो है वो पेंडुलम को कम आकर्षित कर रहा है, अपना आकर्षण शक्ति कम लगा रहा, जिसकी वजह से कितना अंतर आ रहा, 5.23 सेकंड, जबकि हिमालय को आकर्षित अधिक करना चाहिए था। तो इसका रिजल्ट ये आया कि हिमालय जो है वो भूमि के नीचे में अधिक फैला हुआ है, हल्के पदार्थों से बना हुआ है और नीचे में फैला हुआ भी है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा आकर्षण शक्ति जो है वो नहीं लगा पाता है। जैसे कि हिमालय है तो ऊपर में जितना फैला हुआ है उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे में फैला हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि हिमालय अपना पूरा आकर्षण शक्ति नहीं लगा पा रहा है। यहीं से बात उठी थी भू संतुलन के सिद्धांत की जो विकास हुआ इसको, इसके बारे में जो सोचा गया ये यहीं से हुआ था। तो अब कम आकर्षण शक्ति का एक कारण भी बताया गया कि हिमालय का जो आकर्षण शक्ति है वो कम क्यों है। तो इसका कारण क्या, पहला बताया गया कि हिमालय के जो पदार्थ है वो उनका घनत्व कम है, हिमालय के पदार्थों का घनत्व कम है, पहला तो ये बताया, क्योंकि प्राट ने क्या बताया कि हिमालय जो है वो सियाल के बने हुए हैं, तो सियाल का घनत्व सीमा से तो कम है, सियाल का घनत्व कितना 2.75 है, तो हिमालय के पदार्थों का घनत्व कम है। उसके बाद बताया कि हिमालय भूतल पर हल्के पदार्थों के बुलबुले की तरह है और इनके बीच के पदार्थों में या इनके बीच में रिक्त स्थान है, कुछ खाली स्थान भी है। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी की गहराई पर संभवतः 100 किलोमीटर एक ऐसा समदबाव तल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं रहता, अर्थात केवल तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है। ये सब कारण बताए गए।
ये तो था विकास के सिद्धांत का, विकास कैसे हुआ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे भी जान लेना ज़रूरी है कि सिद्धांत का विकास आखिर कैसे हुआ, कैसे लोग सिद्धांत के हम सिद्धांत पढ़ रहे तो वो कैसे आया हमारे सामने। अब देखिए प्राट की संकल्पना, देखिए संकल्पना तो बहुतों ने दी है लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो प्राट और एरी की है। तो सबसे पहले तो हम प्राट की संकल्पना देख लेते हैं। तो प्राट ने जो बताया था कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है, यानी कि जो स्तंभ कम ऊंचा है, ठीक है, यानी कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व होगा, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व होगा, समझ आया। ये प्राट की संकल्पना थी कि जो स्तंभ ऊंचा होगा उसके उसका जो घनत्व है वो कम होगा और जो स्तंभ नीचा है उसका घनत्व अधिक होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि पर्वत का जो घनत्व है वो पठार से कम होगा, पठार का मैदान से कम होगा और मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम होगा। अब फिर उन्होंने ये बताया कि भूगर्भ में एक क्षतिपूर्ति तल है, ठीक है। फिर क्या बताया प्राट महोदय ने कि भूगर्भ में एक क्षतिपूर्ति तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर रहता है लेकिन उसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं रहता है। ये उन्होंने ये बताया अलग अलग प्राट ने पारा से भरा हुआ एक पात्र लिया और उसमें अलग अलग धातु की समान चौड़ाई और भार वाली कुछ छड़ें ली। समान भार वाली कुछ छड़ें ली वो उन छड़ों में उनकी ऊंचाई तो अलग अलग थी, ठीक है, लेकिन एक निश्चित तल पर वो सब स्थित हो गए। जब उन्हें पात्र में डाला गया, पारे में डाला गया, तो वो सब क्या थे कि एक निश्चित तल पर खड़े हो गए। ऊपर घनत्व में भिन्नता किंतु गहराई में समानता से संतुलन बना रहता है, ठीक है। ऊपर घनत्व में तो भिन्नता है लेकिन गहराई में जब समानता पड़ती है तो उसकी वजह से प्राट ने क्या कहा कि संतुलन बना हुआ है, जैसे पठार है, पर्वत है, मैदान है, इनमें क्या है कि संतुलन इसी प्रकार बना हुआ रहता है कि ये सारे जो है पृथ्वी के भूगर्भ में जाने के बाद एक समदबाव तल में जाकर एक सब एक साथ हो जाते हैं, जो जिसके बाद फिर घनत्व में अंतर नहीं रहता है और उसके वजह से क्या होता है कि सब में संतुलन बना हुआ है। जबकि एरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, एरी ने कहा कि सियाल परत को सीमा से में कुछ डूब कर बताया। सियाल परत क्या, भूपरपटी, तो उसे सीमा में कुछ डूब कर तैरता हुआ बताया। तो विशाल पर्वतों की अधिक ऊंचाई का संतुलन भूगर्भ में अधिक गहराई तक एवं पठार व मैदान को का संतुलन अपेक्षित कम गहराई पर होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि पर्वत की ऊंचाई अधिक है तो उसका संतुलन भूगर्भ में कैसे होगा, वो जितनी ज़्यादा गहराई पर जाएगा, यानी कि जो भी स्तंभ जितना ऊंचा है, जितना ऊपर में उसकी जितनी ऊंचाई है वो भूगर्भ में उतना ही नीचे उतनी ही गहराई पर जाएगा, यानी कि अधिक ऊंचाई है तो अधिक गहराई पर जाएगा और कम ऊंचाई है तो कम गहराई पर जाएगा, ऐसा एरी महोदय का कहना था। पृथ्वी की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान के घनत्व में प्राट की तरह अंतर नहीं पाया जाता है। जैसे कि प्राट महोदय ने कहा था कि इन सब पृथ्वी की सतह पर जो भी पर्वत, पठार, मैदान, इनमें इनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन एरी ने ऐसा नहीं कहा। सियाल से निर्मित सभी स्थल रूपों का घनत्व जो है वो समान रहता है। सियाल से जितने भी स्थल रूप बने हुए हैं उन सब का घनत्व क्या है, समान रहता है, यानी कि सियाल का जो घनत्व है वही बाकी स्थल रूपों का भी घनत्व होगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया कि समान घनत्व वाले अलग अलग ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े लिए और उन्हें क्या किया कि पानी में डुबो दिया। अब जब उन्होंने पानी में डुबोया तो जो जितनी ऊंचाई पर था, ठीक है, वो उतनी ही नीचे गहराई पर भी चला गया। इस प्रकार से जो जितना ऊंचा है, ये छोटा लकड़ी का टुकड़ा है तो ये कम गहराई पर गया, ये कम ऊंचा है, ये उससे ज़्यादा ऊंचा है तो ये नीचे उससे ज़्यादा गहराई पर गया, ये सबसे ऊपर ऊंचा है तो ये
ज़्यादा गहराई पर भी गया है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। इसी तरह उन्होंने एक ही धातु की समान मोटाई की लेकिन अलग अलग ऊंचाई वाले छड़े ली और उन्हें पारा का पात्र में डाल दिया। दोनों ही प्रयोगों से उन्होंने यह सिद्ध किया कि पर्वत, पठार, मैदान के घनत्व में मोटे तौर पर समानता रहती है। यानी कि उन्होंने क्या बता दिया कि पर्वत, पठार और मैदान में घनत्व में समानता रहती है। भूपृष्ठ पर जो भाग जितना ऊंचा है वह उतनी ही अधिक गहराई तक भूगर्भ में स्थानीय रूप से सीमा में डूबा हुआ है। इस प्रकार एयरी ने प्राट से कुछ हटकर क्षतिपूर्ति तल रेखा के स्थान पर क्षतिपूर्ति क्षेत्र की बात कही है। समस्त महाद्वीपीय भाग एक से घनत्व की शैलों से निर्मित है, किंतु उनकी ऊंचाई में भिन्नता के अनुसार ही उनकी गहराई में भी भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए आखिरी यही निकलता है कि जितने भी महाद्वीप हैं एक ही से घनत्व के शैलों से बने हुए हैं जी, ठीक है, लेकिन उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, वो उनका ऊंचाई जो है वो अलग अलग है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जितने ऊंचे हैं ऊपर जितने ऊंचे हैं वो गहराई में भी उतने ही जाएंगे। तो ऊंचाई में भिन्नता है तो गहराई में भी भिन्नता पाई जाती। यही है भू संतुलन सिद्धांत की संकल्पना। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।